हेलो दोस्तों नमस्ते आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सुजलोन एनर्जी के बारे में दोस्तों जिस खबर का इंतजार किया जा रहा था वो खबर भी आ चुका है बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो अगर आपके पास एक भी शेयर होल्ड है या आप इसमें फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है तो दोस्तों चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं लगभग एक लॉस में क्लोज हुआ है ओपनिंग के बाद इस स्टॉक में भारी प्रेशर बना था लेकिन फिर से अच्छी खरीदारी यहाँ पे होता है और स्टॉक काफी अच्छा यहाँ पे रिवर्सल लेता है दोस्तों ओपनिंग होता है उन्नीस रुपया पचपन पैसे पे हाई जाता है बीस रुपया बीस पैसा और इसका जो बावन वीक हाई है वह है इक्कीस रुपए का तो स्टॉक काफी अच्छा दोस्तों इक्कीस रुपए तक आ चुका है बीस रुपए पे क्लोजिंग है अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को पूरा देखना चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं पिछले पांच दिनों में कैसा परफॉर्मेंस है स्टॉक दोस्तों एक अच्छा हाई तो बनाता है लेकिन ज्यादा गिरता नहीं है ऐसा नहीं है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुका है बहुत अच्छा यहाँ पे सस्टेन कर रहा है शेयर इस सपोर्ट को लेता है जैसा कि आप देख सकते हैं गिरावट तो हुआ बट सपोर्ट बहुत अच्छा लेता है उसका फिर रिकवर करता है तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट भी है पिछले पांच दिनों में एक महीने में दस परसेंट का रिटर्न है छह महीने में काफी बढ़िया है बुलिस है एक और एक साल में एक सौ साल में दो तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसके परफॉर्मेंस बेस्ट है पांच दिनों में भी रिटर्न शानदार है एक महीने में भी रिटर्न शानदार है छह महीने में रिटर्न जबरदस्त है और एक साल में एक्सीलेंट और दोस्तों टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये तो भाई फैंटास्टिक है देख सकते हैं एक हजार परसेंट का रिटर्न्स है तो खतरनाक रिटर्न्स स्टॉक ने दे रखा है और अगर कोई हाई प्राइस पे ले लेता है उसे शॉर्ट शॉर्ट टर्म में में टाइम उन्हें लॉसेस देखने को मिल सकते हैं बट होल्ड करने पे उन्हें एक अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा दोस्तों तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं जो अपडेट आया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं चौदह तारीख कल के दिन मीटिंग था और ये अपडेट पूरा है पूरा डिटेल में इसमें बताया गया है दोस्तों कि किस किस फंड हाउस ने किसने यूआईपी में भाग लिया और पूरा का पूरा शेयर खरीदा हुआ है तो ये डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्टीन अगस्त और उसके बाद पूरा यहाँ पे एक कर लिया गया है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा सत्रह रुपया पचपन पैसे पर इक्विटी शेयर और प्रीमियम जो इसका है पंद्रह रुपये का तो सत्रह रुपया पचपन पैसे में ये शेयर टोटल फ्लोर प्राइस था अठारह रुपए डिस्काउंट करके सत्रह रुपया पचपन पैसे में शेयर को खरीदा गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये कंप्लीट हो गया है उसके बाद नीचे टोटल यहाँ पे दिया गया है कितना शेयर का अलॉटमेंट हुआ है एक करोड़ शेयर का अलॉटमेंट कर दिया गया है सत्रह रुपया पचपन पैसे में अब चलिए आगे और देख लेते हैं देखिए यहाँ पे पैसा कितना जमा किया गया है टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लगभग दो करोड़ के आसपास है उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड डिटेल में सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं किस किस ने शेयर ज्यादा उठाया हुआ है वो तो देख लेते हैं तो इस पेज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ एंड नीचे तक देख सकते हैं दो पेज है ओके पहला आप देख सकते हैं बीएनपी एन पी प्रवास परसेंट का स्टेक उठाया हुआ है मतलब जितना अलॉटमेंट है उसका परसेंटेज ग्यारह परसेंट है ओके यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर देख सकते हैं उसके बाद बंधन म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो दस परसेंट और यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डमैन मैन फंड गोल्डमैन मैन दोस्तों एक अच्छी क्वांटिटी इसने भी होल्ड रखा हुआ है छह परसेंट लगभग सात परसेंट का स्टेक है गोल्डमैन की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन बिलियन डील का जब किया गया था अदानी ग्रुप में प्रमोटर्स स्टेक जो है दोस्तों जब सेल किया था तो उस टाइम भी अदानी एंटरप्राइजेस का गोल्ड मैन सेक पार्टनर्स ये सब ने इन्वेस्ट करा हुआ था तो अदानी के भी इन्वेस्टर्स सुजलोन में भी इन्वेस्ट कर ही गए उसके बाद एलडीएफसी की बात कर ले तो देख सकते हो म्यूचुअल फंड एलडीएफसी इसने भी फाइव परसेंट का होल्डिंग बनाया हुआ है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी साढ़े छह परसेंट उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस काफी अच्छा सेवन परसेंट तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों सत्तर रुपए पे ये लोग खरीदारी किए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं इस शेयर की क्या कैपेसिटी हो सकता है क्या पोटेंशियल है आईसीआईसी ने भी लिया है दोस्तों सेवन तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एंड डी के द्वारा किया गया है और दोस्तों लास्ट ट्रेनिंग सेशन की कारोबार की बात कर ले तो 11 करोड़ शेयर टोटल ट्रेड होता है जिसमें डिलीवरी 37 परसेंट बहुत ही बेहतरीन जो है अच्छी खरीदारी अभी भी कर रहे हैं हाई प्राइस पे होने के बावजूद समझ सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल काफी ज्यादा है खरीदारी यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है बायर्स एक्टिव है दस हजार पांच सौ चौहत्तर क्वांटिटी बाय साइड से भी लगा हुआ है एंड बी की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सैतालीस परसेंट करोड़ शेयर पूरा का पूरा डिलीवरीज में उठा लिया गया तो काफी अच्छा स्टॉक में खरीदारी किया जा रहा है उससे पहले देख सकते हैं पूरा सप्ताह 21 करोड़ शेयर चौवालीस परसेंट की डिलीवरीज है 21 करोड़ शेयर पूरा महीना चला है नौ नौ करोड़ शेयर दस दस करोड़ शेयर हर दिन डिलीवरीज में उठाए गए और दोस्तों पूरा महीना स्टॉक हाई पर ही है पूरा जुलाई स्टॉक काफी अच्छा ट्रेड किया है उन्नीस बीस के पास ही और इस जगह पे ही बहुत अच्छा स्टॉक में डिलीवरी भी उठाए गए हैं काफी सारे लोग प्रॉफिट भी बुक किए हैं लेकिन अच्छी खरीदारी भी पूरा महीना किया है स्टॉक में अब टेक्निकल देख लेते हैं तो दोस्तों इसमें अगर कोई फ्रेश एंट्री लेने वाला है तो आप ब्रेकआउट्स के बाद ही एंट्री लीजिएगा जब 52 वीक हाई अपना ये ब्रेक कर जाता है इक्कीस रुपए जैसे ब्रेक करता है फिर एंट्री यहां पे बनेगा तो ये ब्रेक करने के बाद थोड़ा स्टॉक सस्टेन करता है तो वहां पे एक अच्छा एंट्री दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे तो ब्रेकआउट्स के बाद ही एंट्री लीजिए बाकी जो निवेशक लेकर होल्ड करना चाहता है पांच साल होल्ड करना चाहता है उनके लिए तो दोस्तों बाईस रुपए का प्राइस भी सही है बीस का प्राइस भी सही है पंद्रह का भी प्राइस सही है और पच्चीस तीस का प्राइस सही होगा अगर आप पांच साल अगर आप इसमें लेकर होल्ड करना चाहेंगे तो अब स्टॉक का जो करंट में प्राइस है बीस रुपए का है और एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास स्टॉक है दोस्तों काफी अच्छा गुड न्यूज तो है अब देखिए इसमें पॉजिटिव मार्केट से लेता है या क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने दे रखा है तो यहां पे पॉसिबिलिटी थोड़ा कम बन जाता है तो टारगेट जो है अभी ट्वेंटी है जब तक कि ये अचीव नहीं करता है स्टॉक में बड़ा तेजी आने वाला है तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स अच्छे प्रॉफिट बुक ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी फिर से खरीदारी तब होगा जब स्टॉक ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट देखिए ब्रेकआउटन जो होते हैं दोस्तों वो खरीदारी करते हैं वो ब्रेकआउट स्टॉक में दिलाते हैं बाकी रिटेल तो इंतजार करते हैं कि ब्रेकआउट होगा तो एंट्री हम यहाँ पे लेंगे स्टॉक काफी टाइम पे टेस्ट किया उसके बाद फिर नीचे आया हुआ है तो ये जो है वीक कर रहा है अभी जब तक कि वीक होगा नहीं स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा तो अभी देखिए खरीदारी काफी अच्छा होने का चांस है और अच्छा ब्रेकआउट्स भी होने की पॉसिबिलिटी है तो स्टॉक का टारगेट सबसे पहले बाईस ही रहेगा दोस्तों उसके बाद स्टॉक थर्टी के पास जाएगा तो अगर आप होल्ड करेंगे तो अच्छी बात है जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतनी अच्छी बात है देखिए अब नया वाला अपडेट आएगा उसमें सेल एंड पैटर्न नया वाला आपको देखने को मिलेंगे अब क्यू का आएगा तो इस बार कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी डिक्लेयर किया हुआ था क्वार्टर वन का रिजल्ट देख सकते हैं हंड्रेड करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट निकाला था पहले कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस दे रही थी अभी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है ये काफ़ी अच्छी बात है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट है बट दोस्तों कंपनी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला रही है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा थैंक यू अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग